माइक्रोटेक का है DG900 24x7, ठीक है। तो इसका पहले प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग, DC ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन कर दिए, ऑन करते हैं, देखिए कैसा हमिंग साउंड कर रहा है और देखिए एम्पियर कितना ले रहा है, ठीक है, 15 एम्पियर करीबन ले रहा है ये, ठीक है, ये हमिंग साउंड कर रहा है, देख लीजिए, ये देखिए। फिर आपको आउटपुट भी दिखा देता है, ये देखिए आउटपुट लगाने से पूरा एम्पियर कैसे आ रहा है, देखिए, ठीक है, आउटपुट लगाने से लोड ज़्यादा MCB भी गिर रहा है। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फटाफट खोल लेते हैं। ये देखिए पहले से कोई कम क्या हुआ है, जो भी हो फिर हम लोग अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर लेता हूँ, देखिए ठीक है पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आपका पिन है ना, ये तीन पिनों में ये एक और ये एक, ये दोनों आपका स्विच ऑन ऑफ है, और ये आपका 5 वोल्ट आपका पैनल की आगे का जो LED है इसके लिए, तो हम इस दोनों को शॉर्ट कर देंगे इस स्क्रू की मदद से, ठीक है। ये देखिए ऑन करने के साथ रिले भी साउंड भी कर रहा है, ऑन हो चुका है अभी, तो हम इसका गेट सप्लाई देख लेते हैं, देखिए गेट देख लेते हैं, नेगेटिव साइड में आप देख लीजिए पहले, ये देखिए 3.24 नेगेटिव साइड में, ठीक है, एक चैनल में, और दूसरी चैनल में भी देख लीजिए कितना 3.24 है, नेगेटिव साइड में सेम है आपका। तो आप पॉजिटिव साइड देख लीजिए, ये देखिए पॉजिटिव साइड में आपका, ये देखिए दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पर है, देखिए आपका नेगेटिव एक साइड में आपका आ रहा है 6.13 वोल्ट, ठीक है, और एक साइड में देखिए 14.15 वोल्ट करीबन पूरा है, दिक्कत है आपका ये साइड में, देखिए 6 कितना वोल्ट बन गया, ठीक है। तो पॉजिटिव का गेट एक साइड डाउन होने के कारण ही ऐसा आपका हमिंग आ रहा है और आउटपुट कम आ रहा है, ठीक है। पहले हम आपको MOSFET का रीडिंग चेक करा देते हैं, 480, ठीक है, देखिए इस तरफ 1100 कितना है, ठीक है, और इस तरफ भी देख लेते हैं 480, इसमें भी सही आ रहा है, रीडिंग सही आ रहा है, देखिए रीडिंग सही आ रहा है, तो इसमें दिक्कत है, आप ध्यान देखिएगा इसमें क्या है, आपका एक और दो, ये दो जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये आपका पॉजिटिव साइड का, दोनों पॉजिटिव का बूस्ट के लिए दिया हुआ है, ये कैपेसिटर खराब भी होगा तो आपका जैसे अभी एक साइड में डाउन है, ठीक है, तो हम क्या करेगा इस दोनों एक ही कैपेसिटर बदलने से हो जाएगा, तो नेक्स्ट में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम दोनों को एक ही साथ बदल देंगे। ये दोनों कैपेसिटर खोल लेते हैं, एक आपका ये है, ठीक है, एक आपका ये देखिए, और आप एक है आपका इसका ये वाला, ठीक है, दोनों को खोल दिया हूँ, देखिए अभी खोल दिया हूँ उसको, ठीक है, तो अभी इसको लगा लेते हैं, दोनों को लगा लेते हैं, नया देखिए आपका उसका वैल्यू क्या है, देखिए देखिए 47 UF 25 वोल्ट, ठीक है, तो हम इसमें दोनों को डाल लेते हैं अंदर, ये देखिए देखिए इसको भी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगा होगा, ठीक है, तो देखिए इसमें क्लीन हो गया, देखिए अभी ऑन हो गया, तो हम अभी सप्लाई देख लेते हैं, देखिए ये देखिए आपका यहाँ पे आपका 14.7, ठीक है, आ गया, ये भी देखिए दोस्तों यहाँ अभी आपका जो पहले 6 कितना बन रहा था यहाँ भी 14.7 मतलब 15 के करीबन सप्लाई बन गया, ठीक है, इस साइड भी प्रॉब्लम था अभी ठीक हो गया, देखिए इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, देखिए इस साइड भी सेम है, देख लीजिए, तो अभी ये पूरा गेट ओके हो चुका है, ठीक है, तो अभी इसको फिटिंग करके देख लेते हैं, ये उठा लेते हैं, देखिए नीचे उठा दिया, ठीक है, तो अभी ऑन करते हैं, देखिए 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 अभी कोई हमिंग साउंड नहीं है इसमें, देखिए ऑन हो गया, अभी कोई हमिंग साउंड नहीं है, अब हम बल्ब भी जलाएंगे तो देखिए, ये देखिए बल्ब भी जल रहा है, ठीक है, देखिए अभी कोई हमिंग साउंड नहीं है, देखिए ठीक है, देख लीजिए कोई हमिंग साउंड नहीं है, ठीक है, मेंस देखे देख लेते हैं, देखिए
मेंस भी दे दिया, चार्जिंग भी ब्लिंक कर रहा है आपका देखिए, और आप एम्पेयर देख लीजिए, देख लीजिए धीरे धीरे आ रहा है एम्पेयर इसका, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ 9-10 करीबन आ रहा है एम्पेयर आपका, तो देखिए ये अभी बिल्कुल ओके हो चुका है।